बीते वक्त में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामला नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का है, जहां 3 कुत्तों ने 1.5 साल के मासूम पर हमला कर दिया। दरअसल सोसाइटी में काम कर रहा मजदूर अपने बच्चे को साथ लेकर आया था। उसे क्या मालूम था कि सोसाइटी में आवारा घूम रही मौत उसके बच्चे को निशाना बना लेगी। जब 3 खूंखार कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया तो वो अकेला था। इससे पहले कोई बच्चे को बचाता, कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला। जख्म इतने गहरे थे कि बच्चा खून से लथपथ हो गया था। बच्चे को आनन फानन में नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की जान बचाने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। कुत्तों के जानलेवा वार ने बच्चे की जान ले ली। मजदूर के बच्चे की मौत से सोसाइटी में रहने वाले लोग आक्रोशित हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुत्तों को बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको लोग फीड करते हैं और सारे कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। ना नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है और सारे लोग इससे हुए। कभी किसी को काटता है, हर 1-2 महीने में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और हम लोग हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है इसी तरह अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ इधर उधर होकर के बात खत्म हो जाती है। लोटस वैली में कुत्तों की काटने की घटना और बच्चे की मौत ने हर किसी को दहला दिया है। अथॉरिटी से स्ट्रीट डॉग पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। सवाल है कि क्या नोएडा अथॉरिटी आवारा कुत्तों को लेकर कोई एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाजियाबाद में नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और अर्जेंटीटो नस्ल के कुत्तों को प्रतिबंधित कर दिया है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। एक के बाद एक कई कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड की बैठक में खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। सदन ने यह फैसला किया गया कि ऐसे जो कुत्ते जो पुराने जिनके घर हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि वो स्टरिलाइजेशन कराए और आने वाले जो भी फ्लैट्स हैं वो इस टाइप के कुत्तों को कृपया ना पालें। गाजियाबाद नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्ते को प्रतिबंधित किया। अब कुत्तों को पालने के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हालांकि जिन लोगों के पास इन नस्लों के कुत्ते पहले से मौजूद हैं, वो अपने कुत्ते रख सकेंगे, लेकिन उन्हें 2 महीने के भीतर अपने कुत्तों की नसबंदी करानी होगी। नसबंदी का सर्टिफिकेट नगर निगम में जमा करना होगा। नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों को लिफ्ट या फिर सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने के लिए मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो पहले से रखे हुए हैं लोग पिटबुल या ये तीनों ब्रीड, वो उन डॉग्स का अगर इसी एरिया में रखना चाहते हैं तो स्टरलाइजेशन करा लें और स्टरलाइजेशन कराने के बाद, मतलब बधियाकरण कराने के बाद, वो एक सर्टिफिकेट हमें दे दें कि हमने ये करा लिया है और उसके बाद हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो भी फीस रहती है। लेकिन 2 महीने बाद ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी इन तीनों ब्रीड को लेके। गाजियाबाद नगर निगम ने 2 महीनों का वक्त दिया है। इसके बाद पिटबुल, रॉटवीलर और अर्जेंटीनो नस्ल के उन कुत्तों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा जो पहले से घरों में पाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।